हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल CELT सिविल इंजीनियरिंग लैब टेस्टिंग। गाइस आज हम जो किए हैं वो है CBR कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट। ठीक है गाइस, इसका आई स्कोर 27/16 है और आज हम करेंगे गाइस CBR का बैक कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बहुत इजी तरीका बताऊंगा दोस्तों। अगर आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखते हैं तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, अब अपन को क्या करना है गाइस, अगर हम CBR का बैक कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए अपन को मेन क्या करना है। पहले तो गाइस अपन को मोल नंबर रख लेना है, जैसे एक मोल नंबर है और उसका वज़न 120 है और मोल्ड का गाइस आपको पता ही है वॉल्यूम 2250 है, वो भी रख लेना है। और कंटेनर नंबर है वो भी अपने मन से रखना है। और कंटेनर का वेट गाइस जो अपन कैलिब्रेशन करते हैं उस टाइम जो आता है, जैसे 6 नंबर का 16.20 है और अदर नंबर का अलग रहता है, वैसे लिखना है दोस्तों। अब अपन को क्या करना है दोस्तों, जैसे तो दोस्तों MDD अपना 1.900 10.15 OMC है। ठीक है गाइस, अब इसके हिसाब से अपन को बैक कैलकुलेशन बनाना है। ये जो MDD है गाइस, ये अपना जो सैंपल नंबर 1+2 बोर एरिया है उसका MDD पकड़ा है, क्योंकि जो CBR होता है दोस्तों वो 3000 फ्रीक्वेंसी पर वन टेस्ट होता है। ठीक है तो दोस्तों, और MDD होता है वो 1500 पे एक होता है, इसलिए हम दो सैंपल का एक CBR करते हैं। अब अपन को क्या करना है दोस्तों, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सोल निकालना है। ये अपने मन से रख लेना है दोस्तों, जैसे मैं रख लेता हूँ 60.50। ठीक है गाइस, अब अपन को क्या करना है, ड्राई वेट निकालना। वो कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। ये कैलसी है, देखो 60.50 है, 60.50 लिख लेना है। कंटेनर का वेट है 16.20, तो -16.20 ये अपना वेट सोल आ गया दोस्तों। इसमें डिवाइड करना है अपन को कितना का, डिवाइड बाई 110.15, क्योंकि 100+ मॉइस्चर कंटेंट पकड़ते हैं हम, परसेंटेज दबाएंगे तो ड्राई सोल आ जाएगा, प्लस 16.20 कंटेनर का वजन जोड़ देंगे 56.42, ये अपना ड्राई वेट आ गया दोस्तों। अब अपन को क्या करना है, वाटर निकालना है। 60.65 - 56.42 4.08। ठीक है दोस्तों, अब अपन को क्या करना है, 56.42 कंटेनर प्लस ड्राई सोइल से कंटेनर को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ड्राई सोइल 40.22। अब अपन को मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, 4.08 डिवाइड बाई ड्राई सोइल, वाटर डिवाइड बाई ड्राई सोइल इंटू 100 करेंगे तो वो आ जाएगा मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है गाइस, 10.14 आ गया हमारा। अब अपन को क्या करना है गाइस, ड्राई डेंसिटी निकालना। उसके लिए पहले अपन को वेट सैंपल निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए दोस्तों। जैसे अपना MDD है 1.90, ठीक है गाइस, इंटू 97% इंटू 2250 जो उसका वॉल्यूम है, 41.45 ये अपना ड्राई सोइल है, प्लस कितना है अपना वाटर 10.14, तो प्लस 10.14 करना है गाइस, ये आ गया अपना 45.67 वेट सोइल आ गया दोस्तों। अब इसमें हम मोल्ड प्लस कर देंगे 61.20। ठीक है दोस्तों, 10.687 आ गया दोस्तों, ये अपना मोल्ड प्लस वेट सोइल है 10.687। अब इसमें हमको क्या करना है, सीधा कैलकुलेशन करना है 10.687 दोस्तों। ठीक है, माइनस 61.20 जो इसका मोल्ड का वजन है, तो ये अपना वेट सोइल आ गया है। वेट सोइल कितना है दोस्तों, वेट ऑफ वेट सोइल 45.67। ठीक है दोस्तों, 45.67 मैंने लिख लिया है। अब इसको वॉल्यूम में भाग देना है तो इसका वेट डेंसिटी आ जाएगा 2.0298। ठीक है गाइस, अब इसमें क्या करना है, अपन को फॉर्मूले याद कर लो। जैसे वेट सोइल डिवाइड बाई वॉल्यूम बराबर डेंसिटी, वेट डेंसिटी आ जाएगा, वेट डेंसिटी डिवाइड बाई मॉइस्चर कंटेंट प्लस 100। ठीक है गाइस, तो वेट डेंसिटी अपना मैं लिख लिया हूँ 2.0298। ठीक है गाइस,
डिवाइड बाई 110.14, क्योंकि 100 प्लस करके मॉइस्चर पकड़ना है, परसेंटेज दबाएंगे तो अपना ये आ जाएगा 1.8443। ठीक है गाइस, अब हमको क्या करना है गाइस, कंपैक्शन चेक करना है। कंपैक्शन कैसे चेक करेंगे दोस्तों, जैसे 1.8443 आया अपना एमडीडी, ये विद ट्रेड डेंसिटी, इसमें अपन को एमडीडी के भाग देना है 1.9 और परसेंटेज दबाना है तो 97% आ जाएगा दोस्तों। और सीबीआर का जो परसेंटेज होता है दोस्तों, सीबीआर का जो परसेंटेज होता है ये आ गया गाइज 97%। और एफ्टर सोकिंग है उसमें भी सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है, उसमें बस मॉइस्चर होता है गाइज वो 1-2% बढ़ा देना है। जो मॉइस्चर होता है जैसे मैंने यहाँ पे 10.15 पकड़ा था, वैसे 12.15 पकड़ के इसका रिपोर्ट बनाना है और कंपैक्शन यहाँ पे कम रखना है गाइज। बैक से अगर कर रहे हैं अपन कैलकुलेशन तो 95 या 96 के आसपास कंपैक्शन रखना है, क्योंकि 4 दिन वाटर में रखने के बाद दोस्तों उसका जो सीबीआर रहता है उसका कम आता है, 4 दिन के बाद वो 97 नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने 97 पे कास्ट किया था, 4 दिन के बाद सोइल लूज हो जाता है तो उसमें 95-96 आता है, 1-2% कंपैक्शन कम हो जाता है। ठीक है गाइज, वीडियो कैसा लगा गाइज प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।